बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हमने पढ़ना है लमार्क, ठीक है। लमार्क का हमने जो एवोल्यूशन के अंदर जो लमार्क ने हमें जो एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया, हमने उस चीज़ को जो है आज हमने पढ़ना है, ठीक है। तो जो लमार्क है, मैंने आप लोगों को कल जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर जो है मैंने आपको लमार्क का बताया था कि लमार्क ने हमारे पास इनहेरिटेंस की थ्योरी दी थी, मतलब इसने करैक्टर्स का बताया था कि हमारे पास जो करैक्टर्स हैं वन जनरेशन से एंड अदर जनरेशन में जो करैक्टर्स हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें जो लमार्क ने बताई थी, लमार्क जो है हमारे पास वो फ्रेंच साइंटिस्ट था, ठीक है, फ्रेंच जूलॉजिस्ट हमारे पास था, ठीक है। तो इसने हमें क्या बताया, हमारे पास जो फ्रेंच उसकी जो कंट्रीब्यूशन है जूलॉजी के अंदर वो ये है कि इसने हमारे पास एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की है। जो हमारे पास लमार्क है, इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, इसने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की है। इसने एनिमल्स को उनके ऑर्डर्स, उनके ऑर्डर्स के बेस पे, उनके सिमिलैरिटीज़ के बेस पे, उनकी फिर जीन्स की बेस पे, और उसके बाद रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, कौन कौन से करेक्टर्स हैं, किस किस एनिमल्स में कैसे कैसे पास होते हैं, ये सारा का सारा जो है इसने जो है वो हमारे पास जो है वो एनिमल क्लासिफिकेशन में की थी। जिस तरह हमारे पास फाइलम्स हैं, फाइलम में किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोकैरियोट्स और किंगडम फंजाई, हमारे पास ये किंगडम्स है ना, हम क्या करते हैं उन किंगडम्स के अंदर, जिन किंगडम की बेस हमने एनिमल्स के बेस पे किंगडम्स बनाए हैं, फिर उन जो जो एनिमल्स उसके अंदर फिट आ रहे थे, हमने उन किंगडम्स के अंदर जाकर जो हमने जो वो एनिमल्स हैं वो प्लेस किए, ठीक है। यही काम इसके अंदर है कि उसने जो एवोल्यूशन के अंदर जो है ना, जो एवोल्यूशन का काम है हमारे पास जो है वो लमार्क ने हमारे पास एवोल्यूशन के बेस पे जो है उसने एनिमल्स को क्लासीफाई किया। अब हमारे पास जो एवोल्यूशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास चेंजेस है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंजेस के वक्त के साथ साथ जो आपके पास क्या तब्दीलियाँ आती हैं वो जो है वो इसके अंदर हमारे पास आता है कि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस आती हैं। जिस तरह हम देखिए कहा जाता है कि जो ये ह्यूमंस हैं वो इंसेस्टर्स हैं, वो प्राइमेट्स के इंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो प्राइमेट्स के इंसेस्टर, इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमंस हैं वो प्राइमेट से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। प्राइमेट जो इंसेस्टर्स हैं, अगर हम डिसेंडेड टू द ह्यूमन के डिसेंडेड से अगर आप इंसेस्टर तक जाएं तो देखें कि अगर आप प्राइमेट्स का फेस देखें तो उनका जो फेस है, फीचर्स पूरे के पूरे फेस के फीचर्स हैं वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो ह्यूमंस के साथ जो है बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। प्राइमेट्स के अंदर जो है एस्ट्रोसाइकल होता है, उसी तरह हमारे पास जो है वो जो ह्यूमन की फीमेल है उनके पास जो है मेस्ट्रोसाइकल होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसको हट के अगर हम कुरान पाक देखें, ठीक है, तो देखिए उसमें हमारे पास था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया था, अल्लाह ने वो खिंजीर बना दिया। खिंजीर हमारे पास क्या थे, हमारे पास जो है ये हमारे पास जो खिंजीर है एक्चुअली हमारे पास प्राइमेट्स हैं, ठीक है। तो जितने जितने इंसान थे अल्लाह ने सारे सारे क्या बना दिया, अल्लाह ने वो खिंजीर बना दिए, ठीक है। वो अल्लाह ने इंसानों से बंदर बनाए, ठीक है। अब इंसान से वो बंदर बनाए तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जो है फिर वो जो बंदर थे उसके बाद हमारे पास एवोल्यूशन आई है। इंसान तो मौजूद थे ना, ठीक है। अब ये हमें कुरान पाक से भी हवाला मिलता है, लेकिन हम साइंस के अंदर, हम जूलॉजी के अंदर न्यूट्रल रहते हैं, हम किसी भी मज़हब वगैरह को नहीं फॉलो करते, ठीक है। अब इस लमार्क ने हमें कहा कि एवोल्यूशन ने कहा हमें कि चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब देखें कि अब जो टेल है ये अगर हम ह्यूमन जो है वो प्राइमेट से इवॉल्व हुए हैं तो ह्यूमन की टेल होनी चाहिए, लेकिन चेंजेस के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ चेंजेस हमारे पास जो टेल हो रही है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ठीक है। जो टेल है वो एक्सटिंक्ट हो गई है और इंसानों की जो है वो टेल जो है वो नहीं होती, ठीक है। अब प्राइमेट्स के अंदर जो है, अब प्राइमेट्स हमारे पास इंसेस्टर्स हैं, बायोलॉजी का कहीं भी देख लो जो है प्राइमेट से इवॉल्व हुआ है ह्यूमन, ठीक है। हमारे पास जो प्राइमेट्स है वो प्राइमेट्स जो है वो ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो प्राइमेट्स हैं वो इंसेस्टर्स हैं, ठीक है। और फिर इसने हमें ये कहा, इसने फिर उसके बाद एनिमल्स को क्लासिफाई किया, और उसके बाद फिर इसने क्या किया कि इसने जो है वो इसने जो फिर हमें थ्योरी ऑफ चेंज है, ठीक है, उससे उसको रिमेंबर कराया। क्यों, थ्योरी ऑफ चेंज का मतलब क्या है, हमारे पास चेंजेस आई हैं, ठीक है, और हमारे पास एवोल्यूशन भी क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस हैं, चेंजेस आनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यही चीज़ जो है, यही बात जो है वो कह रही है, वो ये कह रहा है लमार्क के हमारे पास जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास चेंजेस आई हैं, ठीक है। उसने इसका मतलब है कि हमें जो थ्योरी ऑफ द चेंज है, उसने हमें थ्योरी ऑफ चेंज के बारे में बताया, उसने हमें थ्योरी ऑफ चेंज के बारे में बताया कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है चेंजेस आती जाती है। अब अगर आप इंसान हैं, आप देखिए, अब हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को बेहतर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, आप कहते हैं मेरे अंदर यह तो ख़राब है, मैंने इस आदत को छोड़ कल को ये काम नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर मॉडिफिकेशन आ रही हैं। अब वही इंसान था वो 40 साल पहले और वही इंसान 40 साल बाद इवॉल्व हो गया, वो ह्यूमन इवॉल्व हो गया, इंसान इवॉल्व हो गया, उसमें मैनर्स आ गए, उसको एटिकेट्स आ गए, उसको पहनना ओढ़ना आ गया, ठीक है, उसको वे ऑफ टॉकिंग,
ये सारा जो 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 ये उसके अंदर एवोल्यूशन हुई है, ये उसने इवॉल्व भी किया है। अब एवोल्यूशन के ऊपर जो साइंटिस्ट ने काम किया अरिस्टोटल के बाद, फिर हमारे पास था वो, हमारे पास ग्रैंडफादर आया उसका डार्विन का, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास बुफोन आया। बुफोन ने हमारे पास कंपेरेटिव एनाटॉमी दी थी ना, उसने हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के, हमारे पास थे जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है हमारे पास, जो हमारे पास एक्सटेंट हो गए हैं, ठीक है, बहुत जो है उनकी शॉर्ट एंड फॉर्म है हमारे पास इस तरह, अगर आप देखें तो अपेंडिक्स है। तो अब हमारे पास अब लमार्क आया। लमार्क ने हमें एवोल्यूशन में क्या होता है, लमार्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लमार्क ने हमें इनहेरिटेंस का बताया, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, के जो करेक्टर्स हैं वो इनहेरिट होते हैं। आप किसी के बाल लंबे हैं तो इसका मतलब उसको ये बाल लंबे इनहेरिट हुए हैं, ठीक है, जो करेक्टर्स हैं वो इसके इनहेरिट होते हैं। वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो पास होते हैं। जो करेक्टर्स का पास होना आपको बताता है कि आप पे इंसेस्ट की तरफ जाया जाता है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी अम्मी के बाल की ग्रोथ ज़्यादा थी या फादर की। इसका मतलब क्या है कि आपका जो है वो शजरा नसब होला जाता है, आप इंसेस्ट की तरफ जाते हैं। वो जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो एक्चुअली आप लोगों का इंसेस्टर का पता बताते हैं। वो बताते हैं कि आपका इंसेस्टर था वो कैसा है, ठीक है, वो आपको इंसेस्टर जो है वो कैसा है या कैसा था। ये अब एनिमल्स के अंदर जो है हम लोग जो है हम कहते हैं कि विद अब सबसे ज़्यादा एडवांस जो हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है हमारे पास वो हमारे पास ह्यूमंस है। ह्यूमंस बहुत एडवांस है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इनके जो जीन्स, इनके पास जीन्स हैं हर फंक्शन, इनके पास जीन्स है, हेयर ग्रोथ के लिए अलग जीन्स है, आई कलर के लिए अलग जीन्स हैं, फिर इनके पास जो है इनके पास क्या कहते हैं उसको उसको स्किन कलर के लिए, मतलब पूरी बॉडी के अंदर जीन्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम हमारे पास डीएनए में, डीएनए कहाँ पे, न्यूक्लियस में, ठीक है। अब वो जो है हमारे पास जो है अब हमारे पास वो अब सबसे एडवांस है हमारे पास वो ह्यूमन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जीन्स हैं, इसके पास वो जो जीन्स हैं वो करेक्टर्स के ट्रांसमिशन में काम करती हैं, ठीक है। और इसने हमें ये भी, उसने फिर हमें ये बताया था कि जो हमारे पास जो स्पीशीज़ है ना, जो स्पीशीज़ जो भी एग्जिस्ट कर रही है, जो स्पीशीज़ जो भी हमारे पास जो एग्जिस्ट कर रही है वो हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, 10 साल पहले जो पाकिस्तान की आबादी थी 18 करोड़ थी, और आज हम एस्टिमेट लगा रहे हैं पाकिस्तान पॉपुलेशन का, तो हम क्या लगाते हैं, 22 करोड़ से भी ऑनवर्ड हो गई, 22 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब क्या, 18 करोड़ थी हमारे पास 10 साल, इसका 10 साल पहले 18 करोड़ थी, अब हमारे पास 22 करोड़ आ गई। इसका मतलब क्या, जो स्पीशीज़ है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट नहीं रही। स्पीशीज़ हमारे पास जो है वो स्पीशीज़ क्या होती हैं, हमारे पास जो है वो जो इन जो अपन जो आपस में ब्रीड कर सकती हैं, ठीक है, जो आपस में क्या कर सकती हैं, ब्रीड कर सकती हैं, ह्यूमन आपस में ब्रीड कर सकते हैं ना, ब्रीड करते हैं ना। तो अब देखें कि हमारे पास जो है वो स्पीशीज़ उसने कहा कॉन्स्टेंट नहीं है, तो हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं वो कॉन्स्टेंट जो हैं वो नहीं रही। हमारे पास नंबर इंक्रीज़ करता जा रहा है, डे बाई डे हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो उसने जो बात कही थी कि हमारे पास जो स्पीशीज़ का नंबर है वो कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अम्मी या फादर या मदर के जो सिबलिंग्स हैं वो 10 बहन भाई हैं, आप लोग 10 नहीं हैं, आप 10 से ज़्यादा हो सकते, 10 से कम हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, स्पीशीज़ थी वो जो कॉन्स्टेंट जो है वो नहीं रही। और फिर उसने कहा कि जो हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से ड्राइव होती हैं। जो हमारे पास स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से ड्राइव होती हैं। प्री का मतलब है बिफोर, जो आपके पास जो स्पीशीज़ है इससे पहले कुछ प्रेजेंट था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है, अगर मैं हूँ तो मैं अगर दुनिया हूँ, इसका रीज़न क्या है, मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ प्रेजेंट है, तो मैं दुनिया में आई हूँ, ठीक है। क्लोनिंग जो है वो क्यों बैन है, ह्यूमन पे स्पेशली, ह्यूमन पे बैन है ना, हम इलीगल कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो करेक्टर्स का नहीं पता चलता। मैं हूँ, मैं खड़ी हूँ, तो आपको जो मेरे फादर या मदर को जानता होगा, ठीक है, मिला होगा, उसको पता होगा इसने ये करेक्टर जो है अपने फादर से इनहेरिट किए हैं, इसके फलां करेक्टर जो है अपनी मदर से इनहेरिट किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो करेक्टर्स जो मैंने अपनी मदर या फादर से लिए हैं वो एक्चुअली बताते हैं कि मेरा जो है वो मेरी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ का, मेरा ओरिजिन का बताते हैं, मेरे लिंक का बताते हैं, मेरे इंसेस्टर्स का बताते हैं। अब जब क्लोनिंग में हमारे पास क्या, क्लोनिंग में जो है हम किसी का लेते हैं, न्यूक्लियस लेते हैं, ठीक है, और हम फिर वॉर्म के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, फर्टिलाइज एग के जो बनता है, फिर हम फर्टिलाइजेशन के बाद जब उसको वॉर्म के अंदर रख दिया जाता है, उसमें हमें पता नहीं चलता किसका करेक्टर है, कि इसके कहाँ से करेक्टर्स हैं, इसलिए हमारे पास जो इलीगल है हमें वो उसको पता नहीं चलता, ठीक, उसकी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ का नहीं पता होता कि उससे पहले ये क्या था। वो तो आपके पास एक नया चीज़ बन जाती है ना, वो एक नई चीज़ होती है ना, उसके माँ बाप को पता होता है। इसीलिए हमारे पास जो क्लोनिंग है वो ह्यूमंस के अंदर जो है वो बैन है, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास जो स्पीशीज़ है वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ प्रेजेंट है।
दस साल पहले की बात थी 15 करोड़, 18 करोड़, अब हमारे 22 करोड़ है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 18 करोड़ थी हमारी आबादी, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो 4 करोड़ लोग और बढ़ गए हैं। हमारे पास क्या हुआ, 4 करोड़ लोग और बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के 4 करोड़ और बच्चे पैदा हुए हैं। अल्टीमेटली बच्चे पैदा थे हमारे पास, पीछे पॉपुलेशन रेट इंक्रीज़ करते हैं ना, जब हमारे पास जो बच्चे यंग वंस होते हैं वही आप लोगों की जनरेशन को प्रोसीड करते हैं ना, उनकी जनरेशन प्रोसीड हुई है। इतने जो है इतने 4 करोड़ लोगों के 4 करोड़ और लोग और बच्चे पैदा हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 4 करोड़ जो बच्चे आए हैं उनके प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, उनके एंसेस्टर प्रेजेंट थे। अगर किसी का फॉर एग्जांपल किसी के बच्चे नहीं है, किसी भी एनिमल का यंग वन नहीं, तो वो अगर वो डेथ हो जाएगी तो उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, उसकी जनरेशन जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास यंग वन नहीं जिन्होंने जो उसकी जनरेशन है उसको आगे फर्दर प्रोसीड करना, जो करेक्टर उसके ट्रांसफ़र होने हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है वो लमार्क ने कही थी कि हमारे पास जो है जो हमारे पास जो स्पीशीज जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जो स्पीशीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसकी प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट होती है, उसकी हमारे पास जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो है हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होती है। अब हम इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। जीन बैप्टिस्ट लमार्क 1744 से 1829 का ये लाइफ स्पैन है, वाज अ डिस्टिंग्विश्ड फ्रेंच जूलॉजिस्ट। ये हमारे पास फ्रेंच जूलॉजिस्ट था, मतलब ये फ्रेंच का था, ठीक है, फ्रांस का था ये हमारे पास। His contribution to zoology include important study of the animal classification. अब उसकी जो study है, जो उसकी zoology के अंदर जो उसकी basic study है हमारे पास, जो उसने main उसका काम था, उसने क्या किया, जिसने काम किया हमारे पास, वो उसने animals classification, उसने animals को जो है वो classify किया, ठीक है। Lamarck however is remembered more for a theory of how change occurs. कहते हैं फिर Lamarck ने हमें ये भी remember करवाया, ये भी याद दिलाया है कि थियरी ऑफ द चेंज है हमारे पास वो कैसे होती है, हमारे पास चेंजेस कैसे आती हैं, ठीक है, हमारे पास जो चेंजेस हैं किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास वो चेंजेस हैं वो कैसे आती हैं। ही बिलीव डैट स्पीशीज आर नॉट कांस्टेंट, उसने कहा कि उसको यकीन था जो स्पीशीज हैं हमारे पास जो हैं वो कांस्टेंट जो हैं वो नहीं है, स्पीशीज़ का रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर आपके 10 बहन भाई हैं तो लाजमी नहीं कि आपके ताया के बच्चे भी 10 हों, पुप्पो के बच्चे भी 10 हों। स्पीशीज़ रेट हमारे पास जो है वो क्या है, वो हमारे पास वो कांस्टेंट है नहीं है। एंड एग्जिस्टिंग स्पीशीज वर डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, अब जो हमारे पास जो एग्जिस्ट स्पीशीज कर रहे या जो स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से जो है वो डिराइव है। प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज का मतलब है कि प्री का मतलब बिफोर, इससे पहले भी हमारे पास थी वो स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही थी, ये चीज़ है हमारे पास कि वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से ड्राइव की, उससे पहले जिसके इंसेस्टर थे उसका उसने बताया कि वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से जो है वो ड्राइव है, ठीक है, कि आपके पास कोई भी स्पीशीज प्रेजेंट है, उसके फोर फादर्स हैं, उसके 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 आबाव अजदाद जो है वो मौजूद हैं तो वो इस दुनिया में आएगा, उसके आबाव अजदाद मौजूद ना होंगे उसके तो दुनिया में जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है जो फिर लमार्क ने जो मेजर कोलैबोरेट किया या मेजर एक्सप्लेन किया, जो लमार्क ने एक्सप्लेन किया था उसने दी थी 1800 में, ठीक है, 1800s में, हम उसके उसने थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है, ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, कि उसने में इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, उसने हमें ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स का थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस दी, एक्वायर्ड करेक्टर्स, जो एक्वायर्ड आपने करेक्टर्स गेन किए हैं वो आपके पास करेक्टर्स हैं वो कैसे आपने गेन किए हैं, ठीक है, वो कैसे ट्रांसमिट हुए हैं वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, उसने जो है इसके अंदर जो है हमें ये बताया था। लमार्क रादर एलैबोरेट explanation for evolutionary changes involved in a theory that was widely accepted in the early 1800s, ठीक है, जिसने थ्योरी दी है हमारे पास जो हमारे पास एक्सेप्ट हो गया है वो हमारे पास क्या थी, एक्सेप्ट जो हमारे पास 1800 में उसकी थ्योरी एक्सेप्ट हुई है वो थी थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करेक्टर्स, के इनहेरिटेंस की जो है वो स्टडी जो है, एक इनहेरिटेंस की जो स्टडी है उसका, ठीक है, कि हमारे पास जो एक्वायर्ड करेक्टर्स हैं वो कैसे ट्रांसमिट हुए हैं, वो चीज़ उसने हमारे पास थी वो उसने 1800s में दी थी। अब इसके अब देखें अब इसके अंदर जो है वो अपनी इस थ्योरी के अंदर हमारे पास एक्वायर्ड करेक्टर्स की जो थ्योरी है उसके अंदर जो है जो लमार्क है वो क्या कहते हैं। लमार्क ने हमें यह कहा था कि जो हमारे पास जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म डिवेलप होते हैं, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो न्यू ऑर्गन जो है वो डेवलप होता है, ठीक है, तो न्यू ऑर्गन डेवलप होता है, फिर उसके बाद न्यू ऑर्गन डेवलप होता है या जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं,
ठीक है, वो जो उनके एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स हैं ना वो उसको मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है, मैं आपको एक चीज़ सादा सी एग्जांपल देती हूँ, किडनीज़ का। अगर किसी किडनीज जो है वो फेल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डायलिसिस कराते हैं हम, उसको जो है हम जो है उसको मॉडिफाई करते हैं। अगर नहीं उसके बाद हम क्या करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, चेंज ले आते हैं ना हम उसके अंदर। ये चीज़ उसके अंदर वो कह रहा है कि अब ऑर्गन जो हमारे पास, अब ये बात इन शॉर्ट में आपको बात बताने की कोशिश की है, तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यू ऑर्गन डेवलप करेगा, यहाँ जो है वो जो उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है ना ऑर्गन उसको वो मॉडिफाई करेगा, यहाँ जो है उसको जो है वो मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गन को अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए एक नीड चाहिए। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, उसको जो है वो नीड चाहिए, ठीक है, ज़रूरत है। वो जो नीड है, नीड एक्चुअली ज़रूरत है कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी आप वो चीज़ मांगेंगे, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो आप जो है कोई भी चीज़ जो है वो तब आप, जब आपको ज़रूरत ही नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो इसमें जब उसने अपने आप को अपने ऑर्गन के अंदर चेंज लेके आनी है, मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए जो है उसको नीड है, ठीक है, उसको नीड अराइज होगी, उसको ज़रूरत महसूस होगी तो वो चीज़ लेगा। अगर जब आपको पढ़ने की ज़रूरत महसूस होगी तो आप पढ़ेंगे, जब आपको पता है मुझे सारा कुछ आता था तब आप जो है वो नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको नीड नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। नीड इज़ अ बेसिक पार्ट, कि अगर जब तक आपका पेट फुल है, आपको जब तक आपको पेट फुल है तो आपको जो है वो रोटी की जो है वो खाने की, फूड की नीड नहीं है। लेकिन जब आपका पेट फुल नहीं होगा तो फिर आपको नीड होगी। नीड इज़ अ बेसिक पार्ट। तो अब देखें, अब जो लमार्क ने जो है उसने जो अपना जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको जिसने एलिस्ट्रेट किया, एक्सप्लेन किया जिराफ की मदद से, ठीक है, जिराफ की मदद से। अब उस जिराफ को उसने किस तरह कहा, उसने हमें जराफ़ा देखा, जराफे की जो नेक है उसने कहा, उसने कहा कि जो पहले जराफे की जो नेक थी, जिराफ की जो नेक थी वो छोटी थी, ठीक है, जिराफ की जो नेक थी वो छोटी थी। तो फिर हमारे पास कि जिस तरह हमारे पास ऑल मैमल्स की होती है, ठीक है, जिस तरह सब मैमल्स की जो इंसानों का वजन छोटी है ना, तब जो अब लेकिन अगर आप अब देखें तो जिराफ की जो नेक है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लॉन्ग नेक है जिराफ की। तो अब क्योंकि अब वो उसको, अब उसकी जिराफ की जो नेक है वो क्या बताती है कि उसको खाने के लिए, उसको खाने के लिए, उसकी उस खाने के लिए उसको, वो क्योंकि वो जो हमारे पास वो दरख्त से, ठीक है, ब्रांचेस लेता है एज अ फूड, तो वो उस ब्रांच तक पहुंचने के लिए क्या थी कि उसकी जो है वो जो नेक थी वो काफ़ी नहीं थी, उसकी जो गर्दन थी उस शाख तक पहुंचने के लिए जो गर्दन थी वो कम थी, छोटी थी, तो वह नहीं पहुँच पाता था। वो क्या करता था, वो कोशिश करता था कि वो उस जो है ब्रांच तक जो है वो पहुँच सके, ठीक है, क्या करता था, वो कोशिश करता था। फिर वो क्या किया कि उसने फिर वो कोशिश एक्चुअली क्या थी उसकी, उसकी मॉडिफिकेशन थी, वो जो मॉडिफिकेशन थी जनरेशन बाय जनरेशन उसके अंदर मॉडिफिकेशन आई। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ हमारे पास कि उसकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई, उसकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई, ठीक है, जो गर्दन लंबी से क्या होगा कि उसको आसानी हो गई, वो जो अपना खाना वगैरह था वो जो है ईजिली जो है वो ले लेता था, ब्रांचेस से जो इजिली कट कर लेता था, उसकी गर्दन लंबी हो गई, वो गर्दन लंबी से क्या करता था, वो पकड़ता था और जो है वो खा लेता था, ठीक है। अब देखिए, लमार्क रादर एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन फॉर एवोल्यूशनरी चेंजेस इन्वॉल्व अ थ्योरी दैट वाज वाइडली एक्सेप्टेड इन द अर्ली 1800s। सेल कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड करेक्टर्स। लमार्क बिलीव दैट ऑर्गेनिज्म डिवेलप न्यू ऑर्गन्स। लमार्क का यकीन था कि और जो हमारे पास जो न्यू ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे पास हैं वो ऑर्गेनिज्म्स हैं, वो न्यू ऑर्गन डेवलप करते हैं, ठीक है, न्यू ऑर्गन डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जब ज़रूरत होगी तो उसने वो काम तो करना है, जब आपको भूख लगी तो आपने कुछ ना कुछ तो खाना है ना। और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स एज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स प्रेजेंट देम। यह कहता है कि वो मॉडिफाई करेगा अपने जो है अपने उस ऑर्गन्स को, जो ऑर्गन उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है उस ऑर्गन को जो है वो अपने वो क्या करेगा, वो मॉडिफाई करके। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो एज अ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, उसके पास कोई डिस्टर्बेंस आई है तो वो मॉडिफाई करेगा ना। जब तक आपको भूख नहीं लगी आपको रोटी की कदर नहीं पता, जैसे ही आपको भूख लगेगी आपको रोटी की कदर का पता चल जाएगा। वो आपके पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, वो आपकी जो आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका स्टमिक है वो क्रेव कर रहा है, ठीक है, वो और कहते हैं ना मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा है, वो जो हमारे पास जो चर्निंग का प्रोसेस होता है ना वो ये काम स्टमिक पेप्सिन सीक्रेट करता है, ठीक है, उसके बाद हमें कहते हैं कि वेव होती है, एक वेव प्रोड्यूस होती है वो हमारे ब्रेन तक जाती है, ब्रेन फिर क्या करते हैं मैसेज देता है हमें कि
ग्लूकोज आके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है, फिर आप ग्लूकोज लेवल को पूरा करने के लिए रोटी खा लें, चावल खा लें, जो मर्जी आप खा लें, उसका अल्टरनेट आपके पास पड़ा है, ठीक है। तब वो कहता है कि हमारे पास था कि जो अब हमारे पास जो है ये कि अब उसने या तो उसने न्यू ऑर्गन बनाना है या जो है उसने अपना जो ऑर्गन है उसको मॉडिफाई करना है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कि जो उसको इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आई है ना उसने जो उसको मॉडिफाई करना है, उस मॉडिफिकेशन के लिए जो है वो ये कहा उसने, वो जो मॉडिफिकेशन रहती हैं यही हमारे पास जो एवोल्यूशन है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑर्गन चेंज एज द नीड अराइज करता है, इस अगर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गन के अंदर चेंज आती है वो उसको नीड है उसकी उसकी उसको ज़रूरत महसूस होती है उस चीज़ की, ठीक। जो नीड है आप नीड है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। एनिमल की बॉडी को नीड किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। वो मेटिंग की हो जाए, फूड की हो जाए, वो बिहेवियर है, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास जो है वो नीड है, ठीक है। तो एक्चुअली उसके पास क्या होता है, उसको नीड है, उसको उसको वो उसको उसको ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। नीड अराइज होती है जिससे फिर क्या है कि वो उस नीड को जो है फुलफ़िल करता है, उस नीड को क्या करता है वो अपने उस नीड को फुलफ़िल करता है, वो फुलफ़िल क्या करता है या तो मॉडिफाई करता है या नई चीज़ बना लेता है, ठीक है। लमार्क इलस्ट्रेट दिस पॉइंट विद द ऑफन कोटेड एग्जांपल ऑफ द जिराफ। अब कहते हैं उसने जो इसको जो इलस्ट्रेट किया उसने जिराफ के साथ, ठीक है, उसने इसको जो है वो कोट किया है जिराफ के साथ, जिराफ जिराफा के साथ। ही कंटेंटेड डैड एंसेस्ट्रल जिराफ्स हैड शॉर्ट नेक्स, कि हमारे पास जो एंसेस्ट्रल जिराफ थे मतलब उनके आबाओ जात थे जिराफे के, उनकी जो नेक थी वो छोटी थी, उनके पास क्या था शॉर्ट नेक थी, ठीक है, शॉर्ट नेक थी, मच लाइक दोज ऑफ द अदर मैमल्स के, जिस तरह अदर मैमल्स के पास है। लेकिन अगर आप आज के जिराफ देखें तो उनकी जो गर्दन है वो छोटी है, नहीं, इसका मतलब क्या है, कुछ तो ऐसा हुआ है उनकी गर्दन है वो लंबी हो गई है, कुछ तो इन्वायरमेंट में ऐसी चेंजेस आई हैं, उनने अपनी बॉडी के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशंस की हैं, ऑर्गन्स के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशंस आई हैं कि जो है वो पहले गर्दन, अब तो गर्दन लंबी है, लेकिन ये बुक में ये कह रहा है हमें, ये लमा कह रहा है कि जो गर्दन थी वो छोटी थी, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इसमें अंदर बताएगा, दीज मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस्ड सॉरी ट्रेनिंग टू रीच हायर ब्रांचेज ड्यूरिंग ब्राउजिंग रिजल्टेड इन देयर एक्वायरिंग हायर शोल्डर्स एंड लॉन्गर नेक्स। अब उसने रीज़न बताइए कि जो लंबी नेक है वो क्यों हुई थी, उसने हमें रीज़न ये बताइए कि उसको हायर ब्रांचेज तक ऊंची शाखों तक, ठीक है, तो कुछ दरख्त के जो शाखें होती हैं जो पत्ते होते हैं वो ऊंचे होते हैं, उन तक वो जो है कुछ छलांगे मारनी पड़ती हैं, ठीक है, अपने हाथ लंबे करने पड़ते हैं, अगर हाथ ना पहुँचे वो कहते हैं कुछ चीज़ दे रस्सी वगैरह डालने, रस्सी डालने ताकि जो है वो चीज़ आके पास आ जाए। यही काम इसके अंदर है कि वो उसने उन वो शाख के ऊपर जो हमारे पास थी जो जो ब्रांचेस थी वो ब्राउजिंग ब्रांचेस उन लंबी ब्रांचेस तक जो है वो पहुंचने के लिए अपने फूड को अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए उन जो ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए जो है उसने उस ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए, ठीक है, उसने फिर क्या किया अपने जो शोल्डर्स हैं शोल्डर्स को अपने शोल्डर्स बड़े किए और जो नेक थे वो सास उसके बड़ी उन ब्रांचेस तक पहुंचने के लिए उसने जो कोशिश की है उसने कोशिश से क्या हुआ जो उसके शोल्डर के मसल्स थे वो जो है वो डायलेट कर गए वो बड़े हो गए, ठीक है, स्ट्रेंथन कर गए जो उनकी जो नेक थी नेक की जो बोन थी वो स्ट्रेंथ कर गई, ठीक है, क्योंकि उसको जो है वो स्ट्रेचिंग मिल रही थी कंटिन्यू स्ट्रेचिंग मिल रही थी। उसने तो खाना ज़िंदगी में एक दफ़ा तो नहीं खाना दो दफ़ा तो नहीं खाना, खाना तो बहुत जिंदगी सारी ज़िंदगी जब तक आपकी लाइफ चल रही है फूड तो नेसेसरी है ना, ठीक है, फूड तो नेसेसरी है। तो फिर क्या है कि हमारे पास जो है वो उसके लिए जो है फिर वो उसकी उसकी जो नेक थी उसको कंटिन्यू स्ट्रेचिंग मिल रही थी, ठीक है, कंटिन्यू जो है उसको उसको फोर्स मिल रही, उस फोर्स ने क्या किया उसके जो जो नेक की बोन थी जो शोल्डर मसल्स उनको उनको जो डायलेट कर दिया जो नेक की बोन थी उसको लॉन्ग कर दिया और जो क्या उसकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई और वो ईजिली उन हमारे पास जो लॉन्ग ब्रांचेज है वहाँ तक जो है वो पहुँचने लगी। दीज मॉडिफिकेशन प्रोड्यूस इन वन जनरेशन। अब वो कहते हैं जो मॉडिफिकेशन है हमारे पास एक जनरेशन के पास है, हमारे पास क्या है हमारे पास एक जनरेशन के पास ये मॉडिफिकेशन आई वर पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। अब भी क्योंकि ये मॉडिफिकेशन हमारे पास एक जनरेशन के पास आई थी इसलिए फिर हमारे पास क्या जो चेंजेस है हमारे पास जो हमारी मॉडिफिकेशन हैं ये अदर जनरेशन में, ठीक है, वन जनरेशन टू द एंड अदर जनरेशन है वो भी ट्रांसमिट होती गई। और हमारे पास क्या आज हमारे पास रिजल्ट क्या है कि हमारे पास जो हमारे हैं जितने भी हमें जिराफ देखने को मिलते हैं उनके खा उनके पास, ठीक है, वो किसी भी कंट्री को हैबिटेट को जो मर्जी उनका, लेकिन उनकी गर्दन है उनकी गर्दनें वो जो हैं वो लंबी होती हैं, ठीक है। लमार्क वेंट ऑन द स्टेट डैट द यूज़ ऑफ एनी ऑर्गन रिजल्टेड इन डैट, कहता है जो हमारे पास जो लमार्क था फिर वो उस इस नतीजे पे पहुंचा कि इन्होंने क्या किया कि उन्होंने अदर ऑर्गन को यूज़ किया है, ठीक है, रिजल्टेड इन डैट ऑर्गन बिकमिंग हाईली डिवेल्प एंड डैट डिस्कस रिजल्टेड इन द डिजनरेशन, ठीक है।
अब उसने क्या किया कि उसने जो है हमारे पास क्या कहा कि उसने अपने एक ऑर्गन को मॉडिफाई करने के लिए दूसरे ऑर्गन की हेल्प ली है, दूसरे ऑर्गन की हेल्प ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि देखें कि आपके पास जो है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि अब उसने उसकी नेक लंबी होने से साथ से क्या किया, उसने जो अपने शोल्डर्स के मसल के साथ उनसे कोलैबोरेट किया, उसने फिर क्या किया शोल्डर के मसल भी बड़े लंबे हो गए, जो गर्दन थी वो भी लंबी हो, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, फिर हमारे पास रिजल्ट इन द डी जनरेशन, जो रिजल्ट थी हमारे पास वो डी जनरेशन की तरफ चलेगी, मतलब एंड पॉइंट की तरफ जाए वो चलेगी, ठीक है। दस द एवोल्यूशन ऑफ द हाईली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर सच एज द वर्टिब्रेट्स आईज कुड बी एक्सप्लेन, कहते हैं कि फिर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स की आई हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स की आई हैं उनके ऊपर जो है उसने कहा हमारे पास हाईली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। अब देखें कि हमारे पास जैसे जैसे आप देखें, आप आर्थ्रोपोड्स के बाद अगर आप आर्थ्रोपोड्स के बाद अगर आप बर्ड्स में जाएँ, बर्ड्स के बाद अगर आप जाएँ हमारे पास जो है बर्ड्स के बाद अगर रिप्टाइल्स में, रिप्टाइल्स के बाद अगर आप फिर फिशेज में जाएँ, फिशेज के फिशेज बर्ड्स में फिशेज एम्फीबियंस रिप्टाइल्स बर्ड्स और फिर मैमल्स, आप इस पूरे सीरीज में देखें, आप देखें कि जो वर्टिब्रेट्स की जो आईज है ना, या वर्टिब्रेट्स में देखो उनकी आईज जो है स्पेशलाइज्ड हो गई है। अब इंसान इंसान के कितनी स्पेशल, कितनी हाईली डेवलप्ड है, ठीक है, इंसान की जो कितनी हाईली डेवलप है ये हमारे पास, ये अब देखें वो ऐसे ही नहीं आँख बन गई, ठीक है, अभी हमारे पास जो ज़मीन है ये ऐसे ही नहीं बन गई। अब मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास पहले एनारोबिक, पहले बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया है, फंगस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन आई, फिर हमारे पास प्लांट्स आए, फिर हमारे पास एनिमल्स आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास स्टेट हुआ, ये हमारे पास जो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप हुई। लेकिन कुरान में तो अल्लाह फरमाता है, मैंने फरमाया कुन पस्व फाया कुन पस्व हो जाता है, ठीक है, कुरान में अल्लाह ये फरमाता है। लेकिन मतलब हमने कुरान में यही कहते हैं अल्लाह सात दिन में अल्लाह ने सातों आसमान सातों ज़मीनें बना देते, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास ये स्लोली स्लोली प्रोसेस है, हमारे पास चेंजेस आई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके अंदर जो है वो चेंजेस आई हैं, ठीक है। अब वो जो चेंजेस हैं हमारे पास, वो चेंजेस जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो एवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने क्या किया कि उसके बाद लमार्क ने अपनी थ्योरी 1802 में पब्लिश की, हमारे पास जो उसने दी थी वो 1800 में थी, 1800 में 1802 में उसने क्या किया, उसने जो अपनी थ्योरी को जो है पब्लिश किया, ठीक है। और उसने फिर क्या किया, और उसने उसको डिफेंड किया अपनी थ्योरी को सोशल और साइंटिफिक क्रिटिसिज्म के साथ, सोशल एंड साइंटिफिक। जब मार्केट में कोई नई चीज़ आती है ना तो लोग कहते हैं ये कौन सी नई चीज़ आ गई, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, हर तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जैसे जैसे उसको यूज़ करते जाते हैं फिर कहते हैं नहीं तब हम इसको बुरा भला कह रहे थे इस चीज़ को, लेकिन इसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसने जो है फिर अपने जो इस थ्योरी को जो है उसने फिर डिफेंड किया सोशली भी और साइंटिफिकली भी, ठीक है। अब देखो उसे सोसाइटी में उसने कहा कि सोसाइटी में हमारे पास था ये जो हमारे पास जो है एवोल्यूशन चेंजेस है हमारे पास सोसाइटी में जो हमारे पास एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं हमारे पास अनएक्सेप्टेबल, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम कहते हैं इंसान पहले भी ऐसा ही था अब भी ऐसे ही, लेकिन अब उसने ये कि पहले भी इंसान ऐसा ही था और अब भी ऐसे ही, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन उसने फिर क्या किया, उसने डिफेंड किया सोसाइटी में हमारे पास जो था ये सबसे पहले ये चीज़ें, उसने कई एनिमल्स पहले भी ऐसे थे, ये नई बात कोई नहीं है, मतलब किसी पर आपने क्रिटिसाइज ही करना ना, इस तरह मर्जी कर दें। उसके बाद फिर उसने क्या किया, फिर उसने और फिर उसने क्या किया कि उसने फिर उसको सोशली भी इसको क्रिटिसाइज़ हुआ, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, उसने फिर आपको जो है वो तब तक जो एवोल्यूशन का जो एविडेंसेस थे ना सबूत नहीं थे आए हुए, आपको चीज़ आप क्रिटिसाइज़ करा तो आप उसको सबूत देते हैं कि आप उसके एविडेंसेस देते हैं कि ये देख लें मेरे पास ये सबूत है इस चीज़ के, उस पर ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए भी लमार्क हुआ कि तब हमारे पास कहते हमारे पास एविडेंसेस नहीं थे, ठीक है, एवोल्यूशन के एविडेंसेस नहीं थे एक्चुअली, वो बताओ तो एवोल्यूशन रहा था ना, जो एक्वायर्ड करेक्टर्स हैं हमारे पास जो ट्रांसमिट हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्चुअली वो हमारे पास वो बताओ तो एवोल्यूशन रहा था ना, इसलिए उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ है क्योंकि उसके पास जो था तब वो हमारे पास उसके पास थे वो एविडेंस नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि जो लमार्क को जो क्रिटिसाइज हुआ वो इस वजह से क्यों, क्योंकि जो है उसने जो है वो लमार्क को जो क्रिटिसाइज इसलिए उसके दिनों में इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि जो है उसने जो है वो जो एवोल्यूशन चेंजेस के जो आइडियाज़ थे ना, जो एवोल्यूशनरी चेंजेस के जो आइडियाज़ थे, ठीक है, उसने फिर जो उनको एडवोकेट किया, उनको बताया एवोल्यूशन चेंज के आइडियाज़ को नहीं उसने बताया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, फिर उसने वो उसको मैकेनिज्म से उसको प्रपोज कर दिया, ठीक है। उसने फिर जो उसके बाद जो चेंजेस आई थी ना उसने एवोल्यूशन आइडियाज़ की, उसने वो चेंजेस का बताया कि ये देखें ये ऐसे, मैं बात ऐसे ऐसे कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सबूत ना हो तो हम कहते हैं कि फलां काम था तुमने इस टाइम देखा था ना, ये इस तरह
एक्चुअली जब उसको जो मैकेनिकल आप जो है वो प्रूफ जो है वो दिया जा रहा होता है, ठीक है। और आजकल जो अब हमारे पास जो अब तब तो प्रूफ क्रिटिसम गया, अब जो आजकल जो लमार्क में जो क्रिटिसम होता है वो ये होता है हमारे पास जो है जो क्रिटिसाइज है कि उसने जो है वो मैकेनिज्म ऑफ द इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन चेंजेस को जो है वो हमारे पास जो है वो डिफेंड किया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने हमारे पास इनहेरिटेंस को और एवोल्यूशन चेंजेस को डिफेंड किया, और जबकि हमें बताया कि जो एवोल्यूशन है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है, उसने डिफेंड किया। ये तो अल्टीमेटली पता है कि इस वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं चेंजेस आती हैं उसके ऊपर अब क्रिटिसाइज इसलिए होता है कि उसने डिफेंड किया है एवोल्यूशन को भी और हमारे पास जो इनहेरिटेंट करेक्टर्स को एक्वायर्ड करेक्टर्स को डिफेंड किया। बट ये हमें पता है कि जैसे जैसे हमारे पास टाइम घुसता जाएगा, ये हमें आज पता है, तब हमें नहीं था पता। आज तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिसर्च हो चुकी है, ठीक है, और आगे भी जो है वो हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रीजनेबल एविडेंस प्रेजेंट है एवोल्यूशन के, उसने डिफेंड किया। और हमें ये पता है कि जो हमारे पास जो करेक्टर्स हैं ये वन जनरेशन से एंड अदर जनरेशन में जो है ये करेक्टर्स जो हमारे पास हैं ये ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। अभी जो हमारे पास जो करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं ना वन जनरेशन एंड अदर जनरेशन, वो उसका जो बेसिक उसका क्रिटिसिज्म जो आजकल हो रहा है ये होता है कि हमारे पास जो ट्रांसफर होते हैं हमें पता चल गया जर्म सेल्स होते हैं, सेक्स सेल्स की वजह से होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो जर्म सेल्स की वजह से हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, ये रीज़न है हमारे पास करेक्टर्स का ट्रांसफर होने का, ठीक है। लेकिन उसने डिफेंड किया था इनहेरिटेंस को और एवोल्यूशन को। अब हमारे पास प्रॉपर रीज़न क्या है कि वो जो उसने जो उसको डिफेंड किया है वो रीज़न ये है कि हमारे पास जो है कि आज भी हमारे पास जो है ये होता है, ठीक है। आज हम बताएं कि हमारे पास जो है ये जर्म सेल्स की वजह से होता है। अब जो हमारे पास जो उसने कहा था कि ग्राफ के जो नेक के अंदर चेंजेस हैं, ठीक है, ये जो है हमारे पास ये इन्वायरमेंटली है, ठीक है। ये हमारे पास जो चेंजेस आई हैं उसके इन्वायरमेंट की वजह से आई हैं, ठीक है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ऐसा था तब उसके पास ब्रांचेज होती थी, उसने कुछ खाना तो था ना, ठीक है, उसने क्या करना था, कुछ खाना तो था ना। अब ये जो है लेकिन ये जो चेंज हमारे पास जेनेटिक मटेरियल में नहीं आई, ये जो चेंजेस आई हैं वो उसके इन्वायरमेंटल चेंजेस आई हैं, ठीक है। अभी जो हमारे पास जो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लमार्क का कॉन्सेप्ट था वहाँ गलत है, लमार्क का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या था वो गलत है, ठीक है। इसलिए जो है उसको ये याद रखना चाहिए था कि वो जो आइडिया प्रमोट कर रहा था ना, ठीक है, जो एवोल्यूशनरी आइडिया था चेंज का, उसके ऊपर जो था वो साबित कदम रहता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो था वो उसके ऊपर स्टेडफास्टनेस होता है, उसके ऊपर साबित कदम होता है कि ये जो मैं आइडिया प्रमोट ये कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया, फिर उसके बाद हमने उसको उसने फिर जॉलॉजी में अकम्पलिशमेंट किया, उसने रिसर्च वगैरह जो है सारे सर जो है उसके अंदर जो हुई है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ, लमार्क पब्लिश इज थियरी इन 1802 एंड डिफेंडेड इन इट इन द फेस ऑफ द सोशल एंड साइंटिफिक क्रिटिसिज्म। कहते हैं कि उसने जब अपनी थियरी 1802 में दी, लेकिन तब उसने क्या किया, उसने सोशल और हमारे पास जो है वो साइंटिफिकली क्रिटिसिज्म जो है वो क्रिटिसिज्म जो दोनों बर्दाश्त किए, ठीक है। मुआशरे का भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया, क्रिटिसिज्म को बियर किया, फेस किया, दूसरा हमारे पास था वो हमारा साइंटिफिकल साइंटिस्ट उसके अंदर भी। सोसाइटी इन द जनरल वाज अनएक्सेप्टिंग ऑफ द आइडियाज ऑफ द एवोल्यूशनरी चेंजेस। अब कहते हैं कि जो हमारे पास जो सोसाइटी जनरल सोसाइटी थी ना वो एवोल्यूशन चेंजेस के जो आइडियाज थे उनको एक्सेप्ट नहीं थी कर रहे, उनका मान रहे थे, कहते ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। एंड द एविडेंस ऑफ आवर एवोल्यूशन हैड नॉट बी डिवेलप थ्रूली इनफ टू कन्विंस मोर साइंटिस्ट। अब जो हमारे पास कहते हैं एक सोसाइटी नहीं थी मान रही, दूसरा ये कहा कि जो उसने एवोल्यूशन का जो हमें दिया है ना चेंजेस बताई हैं थ्योरी बताई है वो साइंटिस्ट उससे कन्विंस नहीं हुए, साइंटिस्ट मुतफिक नहीं हुए, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं है, मतलब उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दी इसकी थ्योरी, ठीक है। दस लमार्क वाज क्रिटिसाइज इन हिज डे मोर फॉर एडवोकेटिंग आइडियाज ऑफ द एवोल्यूशनरी चेंजेस देन फॉर द मैकेनिज्म। कहते कि अब क्रिटिसाइज क्यों है कि उसने एवोल्यूशन चेंजेस को बताया, एज कम्पेयर टू को मैकेनिज्म बता देता, मतलब आप किसी को ज़बानी बता रहे हैं, आप काम करके नहीं बता रहे, मैं आपको ज़बानी कहती हूँ ये भी काम, ये भी आपने पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, आप एक दिन मुझे कहेंगे ना टीचर आपने पढ़ाया तो मैं कुछ है नहीं। ये इसका बिजनेस दिन था कि वो मैकेनिज्म से बता रहा कि हमारे पास जो चेंजेस हैं होती कैसे हैं, वो ये चीज़ इनसे बता रहा, वो सिर्फ ये बता रहा था कि हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो सर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन वो बता वो उसने मैकेनिज्म नहीं बताया, प्रोसीजर नहीं पूरा का पूरा जो है वो बताया। ही प्रपोज डैट फॉर चेंजेस, जो वो चेंज प्रपोज कर रहा था वो बता रहा था, उसने उस चेंजेस के बारे में जो है वो मैकेनिज्म जो है वो नहीं बताया, ठीक है। टुडे ही इज क्रिटिसाइज फॉर डिफेंडिंग ए मैकेनिज्म ऑफ द इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशनरी चेंजेस दैट इज नाउ नोन टू लैक रीजनेबल सपोर्टिंग एविडेंस। कहते हैं अब जो आजकल उस पर हम कर रहे हैं वो ये, क्योंकि उसने हमारे पास जो है वो इनहेरिटेंस को और एवोल्यूशन को जो है सपोर्ट किया। अब क्यों, क्योंकि सपोर्ट उसने कर तो दिया, लेकिन अभी तक हमारे पास जो है उसके प्रॉपर एविडेंसेज नहीं है। देखिए हमारे पास एवोल्यूशन हो रही है, हमें फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल्स हम बताते हैं कि पहले ऐसे एनिमल्स थे, पहले ऐसे थे, अब हमारे पास ऐसे हैं।
अब हमारे पास लैक ऑफ द एविडेंस, हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है, इस वजह से हमारे पास अगर उसने एक बात कॉन्सेप्ट रखा था तो एटलीस्ट प्रॉपर एविडेंसेस देता ताकि उसकी बात को मान तो लेता। उसने प्रॉपर एविडेंस नहीं दिए, उसने जो है प्रॉपर एविडेंस जो है वो नहीं दिए, ठीक है। फॉर अ चेंज टू बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द जेनेटिक चेंज इन द जर्म सेल्स। अब कहते हैं कि हमें ये पता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो चेंजेस पास कर रही है वो उसके जर्म सेल्स की वजह से, जर्म सेल्स के सेक्स सेल्स की वजह से हैं। सेक्स सेल्स जीन जाती हैं एक मदर से एक फादर से, वो दोनों क्या करते हैं यूनाइट करते हैं, यूनाइट करने के बाद हमारे पास नया कैरेक्टर डिवेलप होता है, ठीक है। हमारे पास जो करेक्टर्स डिवेल्प होते हैं, ये हमारे पास जो करेक्टर्स हमारे पास ट्रांसमिट हो रहे हैं ये जर्म सेल्स की वजह से हो रहे हैं। चेंजेस टू द जिराफ नेक एज एनवायरमेंट बाय लमार्क कुड नॉट बी पास्ड ऑन बिकॉज दे डिड नॉट ओरिजिनेट एज चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। कहते हैं कि जो हमारे पास जो चेंजेस जिराफ की नेक में आई थी वो उसकी इन्वायरमेंटल चेंजेस थी, वो उसकी इन्वायरमेंटल डिज़ायर थी, वो उसकी नीड थी अपनी नेक को जो है प्रोलॉन्ग करना फॉर द फूड, लेकिन वो उसके जीन्स में नहीं है, वो उसकी जीन्स में नहीं, वो उसकी इन्वायरमेंट में थी, वो उसकी जेनेटिक जो उसकी चेंजेस आई हैं वो जेनेटिक चेंजेस नहीं है, वो उसकी इन्वायरमेंटल चेंजेस आई हैं, ठीक है। चेंजेस जो ट्रांसमिट हुई है वो उसकी जीन्स में नहीं, वो उसकी इन्वायरमेंट की वजह से जो है वो ट्रांसमिट हुई है, ठीक है। इवन थ्रू लमार्क मैकेनिज्म फॉर चेंज वाज इनकरेक्ट। कहता अब देखिए कि हमारे पास क्या जो लमार्क का जो चेंज का कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो गलत है, ठीक है। ही शुड बी रिमेंबर्ड फॉर हिज स्टेड फास्टनेस इन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ द एवोल्यूशनरी चेंजेस फॉर एंड फॉर हिज अकम्पलिशिंग द जूलॉजी, ठीक है। कि हमारे पास था कि जो उसने जो उसको चाहिए था कि वो साबित कदम रहता है अपने आइडियाज़ को प्रमोट करते करने के लिए, साबित कसम रहता है कि साबित कदम रहने का मतलब ये है कि वो जो है वो प्रॉपर एविडेंसेस देता है। ये मैं ये बात कह रहा हूँ ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे जो हुई है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बता दिखा देती हूँ, जब उम्मीद है मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों को बताने की, क्योंकि एवोल्यूशन का जो चैप्टर है ये मुश्किल है, कॉन्सेप्चुअल है, इससे जो है इसको ज़रा ज़्यादा खपना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास हम जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो अब देखिए उसकी नेक छोटी है, हमारे पास क्या थी उसकी जो नेक थी हमारे पास क्या थी वो छोटी है, ठीक है। डिसयूज अब देखें हमारे पास जो नेक छोटी तब और ऐसा काम आएगी जब हमारे जो ब्रांचेज हैं वो शॉर्ट हैं, ठीक है। ब्रांचेज शॉर्ट हैं लेकिन अब हमारे पास क्या ब्रांचेज हमारे पास लॉन्ग हो गई हैं, ब्रांचेज लॉन्ग होंगी तो इसका मतलब क्या है वो अपने जितने मर्जी पाँव उठा ले वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। फिर उसके मसल्स के नेक के मसल्स ने शोल्डर के मसल्स ने कोलैबोरेट किया, उसकी नेक जो है प्रोलॉन्ग हो गई, वो ईजिली उसकी नेक है वो ईजिली जो है वो ब्रांचेज तक जो है वो पहुँच रही है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग्स आए हैं वो जो ऑफ स्प्रिंग्स हमारे पास आए हैं उन्होंने फिर ट्रेड उनके पास ट्रेड उनकी बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है। लेकिन जेनेटिक नहीं है ट्रेड इनहेरिट किया है उन्होंने, जो हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट ज़रूर किया, लेकिन ये हमारे पास जो है ये जेनेटिक नहीं है, ये इन्वायरमेंटल चेंज है जिसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास है वो नेक जो है वो लंबी हुई है। अब देखें हमारे पास जो नेक जो है वो लंबी, अब इसकी नेक छोटी थी वो नहीं है, अब देखें हमारे पास उसकी नेक लंबी है अभी ही हमारे पास है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ओके बच्चों अगर आप लोगों को बच्चों कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो टॉपिक है बच्चों आप लोगों के मिलन हाल है फोर्थ एडिशन और फिफ्थ एडिशन में से भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो आप लोगों के पास रामे की बुक है उसमें से भी होगा। ओके जी थैंक यू सो मच।